F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन एक 2022 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की कॉमेडी फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी अनिल रेपोडी ने की है और इसे दिल राजू और सुरेश ने श्री वेंकटेश्वर कृष्णन के बेंच तले प्रोड्यूस किया है। ये F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 का स्टैंड स्टोन सीक्वल है और फन एंड फ्रस्ट्रेशन सीरीज की दूसरी किस्त है। फिल्म में वेंकटेशन विरोन तेज तमन्ना भाटिया और महरीन पीरजादा ने प्रीक्वल से अपने किरदारों को अदा किया है। देवी श्री प्रसाद ने मौसीकी तरतीब दी है। F3 तफरी और मायूसी थिएटर रिलीज की तरफ से हिदायतकारी अनिल रवि पोडी ने की है। पैदावार कंपनी दिलराजू प्रोडक्शन ने बांटा। 27 मई 2022 वक्त चल रहा है 148 मिनट बल्कि इंडिया जीबान तेलुगु बजट 60 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस तकमीना बनी थी 135 करोड़ रुपये। प्रिंसिपल फोटोग्राफी दिसंबर 2020 में शुरू हुई और जनवरी 2022 में ख़त्म हुई। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हुई। ये फिल्म 27 मई 2022 को रिलीज़ हुई थी। एक तनकीदी और तजारती कामयाबी F3 दुनिया भर में मार्केटों में कुल 1.35 बिलियन की कमाई की है। मशमूलत ब्राड तरमीम की जाती है। वेंकी जो हैदराबाद में एक RTO एजेंट के तौर पर काम करता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए जदोजहद करता है और रात के अंधे बन का शिकार है लेकिन अपनी माफूरी को सबसे छुपाता है। इसका दोस्त विरोन यादव एक यतीम जो हिकलाता है पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें बनाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वेंकी अपने दोस्त के साथ हारिका के खानदानी रेस्तरां में सरमायाकारी करने के बाद बहुत सी रकम को खो देता है। पैसों की तलाश में वो विरोन हनी हारिका की बहन को एक अमीर औरत समझता है और उसे शादी करने का इरादा रखता है। वेंकी विरोन के मंसूबे को फंड देने पर राजी हो जाता है। वो हनी को अपनी मजदूरी की वजह से पहुंचाने में नाकाम रहता है। वेंकी और वरुण अपनी जायदाद गिरवी रख कर एक मकामी जमींदार पाला बीबी से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं। हनी को महंगी तहाइफ और नकदी देकर लाखों रुपए खर्च करने के बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जबकि हरिका के घर वाले बैठे अपनी सारी रकम शरीर में खो बैठे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।